चलिए देखते हैं मीटर इंटरैक्टिव कैसे काम करता है। यू बोर्ड डिवाइस है जिसको हमने दीवार पे लगाया है। इसके फीचर्स हम देख लेते हैं वन बाय वन। आपको पहले कैलिब्रेशन करना होगा। कैलिब्रेशन के लिए मिंट कंट्रोल डबल क्लिक कीजिए, को ये विंडो हो जाएगी। आपको लेफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और स्क्रीन कैलिब्रेशन करना है। आपको कुल मिला के 9 पॉइंट आएंगे जिसको बिल्कुल आपने सेंटर में टच करना होगा। कैलिब्रेशन हमारा हो गया। जैसे कैलिब्रेशन हो जाएगा आपको मंट इंटरैक्टिव ओपन करना है। आप मंट इंटरैक्टिव डबल क्लिक करोगे आपको ये विंडो आ जाएगा, एक ब्लैंक पेज आएगा जिस पे आपको लिखा होगा पेज वन ऑफ वन, पहला पेज है ये। अगर आपको पेज ऐड करना है तो प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा। प्लस सिंबल, जैसे आप ऐड करते जाओगे वैसे आपके पेज बढ़ते जाएंगे। 1 2 3 7 8, अभी 8 पे हैं हम। 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे पेज देखना। अगर आपको लिखना है तो पेन यूज करना होगा। पेन सेकंड ऑप्शन, पेन लिख के आएगा। उसके बाद कलर सेलेक्ट कीजिए रेड और आप लिख पाओगे रेड पे। ओके, ये यू बोर्ड का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। मैं आपको बता दूं, यू बोर्ड कन्वर्जन किट। इसमें दूसरा ऑप्शन, अगला पेज ले लेते हैं, यानी इसी पेज पे रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हाईलाइटर। ये आपका हाईलाइटर हो गया। अगर आपको इंक का कलर चेंज करना हो तो येलो कर लीजिए। थिकनेस बढ़ानी है हाईलाइटर की तो कर लीजिए 200 पॉइंट और हाईलाइट कीजिए यू बोर्ड। आप देख सकते हो इंक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसके अगला ऑप्शन है ब्रश पेन, जिसके स्ट्रोक्स बिल्कुल ब्रश समान रहेंगे। आप चाहे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लीजिए, आप डायग्राम बना सकते लीफ और जैसे फूल वगैरह से बना सकते हो। इसके एप्लीकेशन आप खुद ही देख लोगे जैसे टाइम चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इरेजर वाला, मिटने के लिए। आपको तरह तरह के इरेजर मिलेंगे, जैसे छोटा इरेजर, नॉर्मल इरेजर, लाइन इरेजर। छोटा इरेजर बिल्कुल यू नो बारीकी से मिटेगा। अगर आपको बड़ा इरेजर चाहिए तो आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा लार्ज इरेजर, एकदम तेजी से मिट पाओगे आप। उसके अगला वाला ऑप्शन है क्लियर पेज, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, पेन सेलेक्ट कीजिए, कलर्स लिखने के लिए या पेंटिंग करने के लिए। उसके बाद थिकनेस, थिकनेस आपको 10 पॉइंट से लेके, ये देख लेते हैं 50 पॉइंट ऐसी थिकनेस होगी। उसके अलावा दूसरी वाली थिकनेस देखते हैं 200 पॉइंट। सो आपको जैसी थिकनेस चाहिए वैसी थिकनेस मिल जाएगी। अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड। आप किसी भी तरह का बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, चॉक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट लाइन बोर्ड। व्हाइट लाइन बोर्ड जैसे आपने ले लिया, आप पेन सेलेक्ट करोगे, इंक चेंज कर लोगे, थिकनेस चेंज कर लोगे और आप बता पाओगे फॉर्मेशन ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, अपर लाइन लेटर्स, लोअर लाइन लेटर्स, आप इसी में बता सकते हो। वैसे ही आप आगे जाओगे नेक्स्ट पेज पर, आपको कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो आप कस्टमाइज कर सकते हो। सेलेक्ट बैकग्राउंड, आप किसी भी ड्राइव से ब्राउज कर सकते हो बैकग्राउंड को। जैसे आपको कोई इमेज वगैरह चाहिए, आप पिक्चर्स में जाके पिक्चर्स वीडियो
कोई भी आपने पिक्चर ले ली है एविको की? जी है जो भी है वो बैकग्राउंड बैकग्राउंड आपको चाहिए, जैसे ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो बैकग्राउंड आपको आ जाए। ऐसे आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अगला टूल देखते हैं, जो है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। से आपको सर्कल चाहिए तो सर्कल बन गया आपके लिए, आपको रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर सारे कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। रेक्टेंगल का एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, ये रेगुलर ट्रायंगल है। अगर आपको इसके अलावा ऑटो पेन चाहिए तो वो फीचर भी अवेलेबल है। सिर्फ आपको शेप बना के छोड़ना है, शेप ऑटोमेटिकली आपके लिए बन जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी फिगर को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। अब ये लाल रंग का है, अगर इसको ब्लू करना है आपको तो मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, एडिट फिगर सेलेक्ट टूल करके ब्लू जस्ट फील्ड अप्लाई, ये हो गया आपका ब्लू। जिस फिगर को आप एडिट करना चाहते हो मॉडिफाई राइट क्लिक पेन पे बटन दिया गया है, मॉडिफाई फील्ड अप्लाई ये फिल हो जाएगा। इसको आप मूव कर लीजिए कहीं पे भी, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो ऐसे। अगला टूल देखते हैं जो है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, टी हैंड राइटिंग इनपुट टेक्स्ट। इसको आप सेलेक्ट करोगे हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन आएगा, आप कुछ भी लिखिए ऑटोमेटिकली हैंड राइटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लास हेलो ये हैंड राइटिंग में कन्वर्ट हो गया, इसको आप अप्लाई कर दीजिए, जिससे अप्लाई इट विल बी देयर, ये आपके पास आ गया। अगला टूल है पेज आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए। ये हमने अभी तक के टूल्स देखे हैं। अगर आपको नई पेज लेनी है वो तो आप प्लस सिंबल का यूज करेंगे। अगर किसी पेज को आप डिलीट करना चाहोगे, जैसे ये पेज को डिलीट करना चाहूंगा मैं, माइनस डिलीट सेलेक्ट किया है, डिलीट पेज पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट, से यस डिलीट हो गया। आप आपके सारे पेजेस यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड एक छोटी सी एरो बनी होगी, सारे पेजेस लिस्टेड होंगे आपके लिए। ये पहला पेज हमने जो देखा था, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे ही आपको हमारे पास 7 पेज हैं, कुल मिला के 7ों पेज लिस्टेड हैं। अगर आपको अंडू रिडू करना है किसी फंक्शन को तो पेन सेलेक्ट कीजिए, अगर आपने कुछ लिखा हो जो ठीक से बन के नहीं आया है तो अंडू कर लीजिए, अंडू हो जाएगा, आप फिर से लिखाओगे। ठीक है, ये आ ठीक से बन के नहीं आया है इसको अंडू कर लीजिए, तो आप आ ठीक से बन अंडू रीडू। अगला फंक्शन हो गया स्क्रीन कैप्चर का, स्क्रीन कैप्चर हो गया, जैसे आप प्रिंट स्क्रीन करते हो आपके कंप्यूटर पे, वैसे ही आपको इमेज में सेव करना है थोड़ा सा एरिया, जैसे सेव एरिया एज इमेज, जैसे आप ये एरिया सेलेक्ट करोगे ये एरिया इमेज में कैप्चर होता है। इसको आप डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, फाइल नेम दे दीजिए कुछ भी, 1 करके दीजिए सेव। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो फर्स्ट टूल यूज कीजिए जो स्क्रीन एनोटेशन है। आपकी फाइल 1 कहाँ पे सेव हुई है एक मिनट देख लेते हैं। चलिए उसको देखते हैं फाइल को। दूसरा टूल देखते हैं जो कि है रिकॉर्डिंग, ये आप यूज कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए।